हेलो फ्रेंड्स, जावा स्विंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम इवेंट हैंडलिंग का एक नया तरीका पढ़ेंगे। इसमें हम एक्शन लिसनर को एक अलग क्लास में इम्प्लीमेंट करके उसे बटन के मेथड में पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले नई क्लास ले लेता हूँ, एक न्यू क्लास लेता हूँ और इसमें मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास एक्शन डेमो 4। मेन मेथड बना लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा एक्स स्विंग डॉट एस्ट्रिक इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस्ट्रिक इम्पोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट एस्ट्रिक। इसे सेव कर लेता हूँ एक्शन डेमो 4 की नेम से मैं सेव करता हूँ। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जे फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम एक्शन डेमो 4 फ्रेम डॉट सेट बाउंड्स। फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एग्जिट जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। चलिए यहाँ एक कंटेनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कंटेनर सी। इसे मैं स्टैटिक बना लेता हूँ। तो स्टैटिक कंटेनर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मेन मेथड से बाहर डिफाइन करेंगे। तो कंटेनर सी और इसे कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि इसे हम बाहर की क्लासों से एक्सेस करने वाले हैं और स्टैटिक मेथड से भी एक्सेस करेंगे। तो इसे इनिशियलाइज करते हैं, सी इज इक्वल टू फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन। अब क्या करते हैं, बटन ऐड करते हैं, बटन लेते हैं, तीन बटन ले लेता हूँ मैं, जे बटन btn1 इक्वल टू इसे मैं करता हूँ रेड, रेड इक्वल टू न्यू जे बटन और इसमें पास कर देते हैं रेड। इसी तरह से जे बटन येलो इक्वल टू न्यू जे बटन येलो जे बटन ग्रीन इक्वल टू न्यू जे बटन ग्रीन। इनके हम बाउंड सेट कर देते हैं, सेट बाउंड्स 100, 100, 100 and 50। इसी तरह से यहाँ लिख देते हैं येलो, येलो की इसे 250 कर देते हैं, इसे 400 कर देते हैं, इसे ग्रीन कर देते हैं। चलिए अब
इसे कंटेनर में ऐड कर देते हैं सबको। तो हम लिखते हैं सी डॉट ऐड रेड, सी डॉट ऐड येलो, सी डॉट ऐड ग्रीन। चलिए अब मैं इसमें रेड डॉट इन बटन में एक्शन लिसनर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो मैं करता हूँ ऐड एक्शन लिसनर, और इसमें हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है जिसने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। तो हम एक न्यू क्लास बनाते हैं अलग से, इसी के नीचे मैं बना लेता हूँ क्लास क्लास रेड क्लास। और इसे इम्प्लीमेंट्स करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। इसमें हम उस मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट अब इस मेथड इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसमें पास कर देंगे न्यू रेड क्लास। तो इस तरह से हाँ इसमें पास कर देते हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, पहले सेव करता हूँ, अब रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं लिखता हूँ एक्शन डेमो 4.java। तो अभी आप देख सकते हैं जावा सी एक्शन 4 कैन नॉट फाइंड सिंबल फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट मेथड सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। ओके हमने डिफॉल्ट नहीं लिखा, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ डिफॉल्ट है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं जावा एक्शन डेमो 4। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह से आ रहा है। रुकिए, सबसे पहले मैं इसका हमने इसका लेआउट नल नहीं किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमें लेआउट नल करना है इसका। पहले सी डॉट सेट लेआउट नल, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसके एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड तो कर दिया है लेकिन उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं किया है। तो हमको क्या करना है कि जैसे ही रेड बटन पर क्लिक हो तो फ्रेम का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस मेथड का नेम क्या है, ये क्लास का नेम, इस क्लास का जो स्टैटिक मेंबर है सी एक्शन डेमो 4.c.set बैकग्राउंड। फ्रेंड्स क्योंकि ये सी जो है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है और इसे हम इस क्लास में से बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमें इस क्लास को के नेम से इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्शन डेमो 4.c.set बैकग्राउंड और आपको यहाँ कलर पास कर देना है, कलर रेड। सेव करता हूँ,
कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेड हो जाता है, लेकिन बाकी बटन काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसका भी क्लास ऐड नहीं किया है। तो इसमें भी हम क्लास ऐड कर देते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ येल्लो, यहाँ ग्रीन, और इनके लिए भी क्लास बना लेते हैं। इसे हम लिख देते हैं येलो क्लास, ग्रीन क्लास। येलो वाले में हम येलो कलर पास कर देते हैं येलो, इसमें हम ग्रीन पास कर देते हैं ग्रीन, इसमें हम येलो क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और इसमें हम ग्रीन क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं रेड पर क्लिक करता हूँ तो रेड हो जाता है, येलो पर क्लिक करता हूँ येलो हो जाता है, ग्रीन पर क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से हम दूसरी क्लास को का यूज़ करके भी हम इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। तो ये हमने तीन तरीक़ों से इवेंट हैंडलिंग करना सीख लिया है।